दोस्तों कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करूंगा जीएसटी के बारे में। नॉर्मली हम जब रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो हमें 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। हालांकि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि 5% जीएसटी पे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को रेडी प्रोडक्ट के जीएसटी के बारे में भी पता है। नॉर्मली सभी लोगों को यही लगता है कि रेडी प्रोडक्ट भी 18% जीएसटी पे ही सेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप लोकल मार्केट में सेल करते हैं, अगर कुछ लोकल दुकानों में या फिर घर घर में आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको जीएसटी बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट हो गई या फिर किसी बड़े बड़े मॉल में अगर आप आपका प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी इनवॉइस के साथ ही डील करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ज़रूरी होता है आपको ये पता होना कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे कितने परसेंट जीएसटी लगेगा, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज के इस विषय में, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको 18% जीएसटी लगेंगे और कौन से प्रोडक्ट है जिस पे आपको 5% ही जीएसटी लगता है, और बाकी का जो आपने रॉ मटेरियल 18% पे परचेस किया है और उसके रेडी प्रोडक्ट को जब आप 5% पे सेल करते हैं तो बाकी के जो परसेंटेज बचते हैं उसका क्लेम आप आपके सीए या फिर एडवोकेट से आप डिस्कस करके किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे डिस्कस करना होगा। मैं यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज के बारे में बताऊँगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जिसमें मैंने जो डिटेलें बताई हुई थी है, बहुत से लोग केवल कॉल करके मुझे वही डिटेल वापस पूछ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन पूरी देखिए। मेरा काम, मैं इतना मानता हूँ कि जो भी है वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, आप जहाँ से भी ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके पास से भी ट्रेनिंग लेते हैं, आपकी जो भी समस्या है आप उनसे डिस्कस कीजिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किए है कि उन्होंने कहीं और से ट्रेनिंग ली है और वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो उसके रिलेटेड मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ, मेरा अपना अलग ही सेटअप है, मेरा अपना अलग चैनल है, मैं किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल के अंतर्गत में काम नहीं करता हूँ। तो यदि अगर कोई सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है तो भाई वो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा है कि हमने एमपी से, यूपी से और भी कई जगहों से ट्रेनिंग ली है, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो उसके बारे में आप बता दीजिए कुछ। तो आपने जहाँ से ट्रेनिंग ली है उन्होंने आपको क्या सिखाया वो मुझे नहीं पता होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिसको भी अपना गुरु बनाए आप सोच समझ कर बनाए और सोच समझ कर आप ट्रेनिंग लीजिए। ये आपके भी, जो भी आप ट्रेनिंग की फ़ीस देते हैं उसका भी सवाल है और आपको नॉलेज भी पूरा मिलना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं शुरू करूँगा। आपको नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, कौन से HSN कोड लगेंगे, उस HSN कोड के अंतर्गत कितने परसेंट GST लगता है, HSN कोड क्या होता है और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शुरू में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। नॉर्मली जो हमारे डिशवॉश डिटर्जेंट है ये 3401 में आते हैं, इस पर 18% GST लगता है। कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट है 3402 में आते हैं, इस पर 5% GST लगता है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HSN कोड होता क्या है। देखिए, आए दिन बहुत सारे प्रकार के मार्केट में उत्पादन मिलते रहते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है। तो सभी प्रोडक्ट को आपस में जोड़ने के लिए जीएसटी प्रोसेस में HSN कोड बनाया गया है। अब HSN कोड किया क्या होता क्या है और इसका मेन काम क्या होता है, सबसे पहले इसका नाम देख लेते, एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी देख लेंगे। HSN कोड का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये एक इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। इस प्रणाली दुनिया भर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए शुरू की गई है। HSN कोड 6 अंकों का एक समान कोड है जो 5000 से भी ज़्यादा उत्पादों को वर्गीकृत करता है और दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। यहाँ पे इसकी ये जो एक छोटी सी डेफिनेशन है इससे ही पता चल जाता है HSN कोड की ज़रूरत क्या है और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। नॉर्मली HSN कोड 4 आंकड़ों का इसका मेन कोड होता है और उस 4 आंकड़ों के अंदर दूसरे 6 आंकड़ों के अलग अलग उसके विभाग दिए गए होते हैं। उन्हीं विभागों में हमारे प्रोडक्ट कौन से डेफिनेशन में आ रहे हैं, कौन से कोड के रिलेटेड आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके GST टैक्स लगते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट के जीएसटी के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल होंगे सेल करने में भी और परचेस करने में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ HSN कोड की बात की जाए तो यहाँ पे शुरू में होता है 3401। 3401 की कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट आते हैं डिशवॉश लिक्विड, डिटर्जेंट लिक्विड और भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो क्लीनिंग सर्फेक्टेंट होते हैं। इस पर नॉर्मली 18% GST चार्ज लगता है। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं या इसको परचेस करते तो यहाँ पे आपका GST 18% पे ही आपका बिल बनेगा। दूसरी कैटेगरी है, ये शुरू थी 3402 से। इसमें जो प्रिपरेशन होते हैं ये नॉर्मली डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जिसमें हमारा हैंड सैनिटाइज़र हो गया, हैंड वॉश हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, क्लीनिंग पाउडर हो गया या फिर बाथरूम क्लीनर हो गया, कार वॉश शैम्पू, ग्लास क्लीनर, गोदरेज एयर पॉकेट, टॉयलेट क्लीनर, रिन आला और स्टेन रिमूवर। जो ऐसे प्रोडक्ट है डिसइंफेक्टेंट में खास करके आते हैं और स्टेन रिमूव करने के काम में आते हैं, इन पर 5% GST चार्ज लगता है। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी की बात की जाए, 3507। 3507 में क्या होता है, एंजाइम या फिर रेडीमेड एंजाइम, आप अगर एंजाइम बना रहे हैं या फिर रेडीमेड एंजाइम लेके उससे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपने एंजाइम ऐड किया हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आपका 18% GST चार्ज लगेगा। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा इस विषय पे डिस्कस करने का, जिससे कि लोगों को पता चल सके कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे आप 5% GST लगा सकते हैं और बाकी का GST आपको किस तरीके से क्लेम करना है इसके बारे में जब आप आपके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर किसी एडवोकेट से डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी प्रोसीजर समझा देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर सही इन्फॉर्मेशन और सही फॉर्मूलेशन और प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने की अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग की जो प्रोसीजर है फ़िलहाल ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें फार्मूला बनाने से लेके कॉस्टिंग निकालना और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें आ जाएगी। आप खुद से फार्मूला भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पूरे कोर्स आ जाएंगे। और किस प्रकार से है अगर आपको ज्वाइंट करना है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।